75 लाख परिवारों को इसमें जोड़ना है। आपकी बार वोट मांगना है तो उनसे पूछे कि बिजली के लिए क्या किया उन्होंने, जल भराव के लिए क्या किया है। इंडिया जीते, भारत जीते। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार, मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आपने बीते दिन पहले देखा कि आम आदमी पार्टी ने पूरे हरियाणा के अंदर एक बिजली अभियान चलाया जिसमें आम आदमी पार्टी ने सफलता हासिल की, लोगों के बीच पहुंचे, लाखों की संख्या में लोग बाग जुड़े और 7500 के लगभग परिवारों से जुड़े। आज फिर द्वारा से गाँव 7500 गाँव में जाके जुड़े, उनको कवर किया। अब आम आदमी पार्टी ने परिवार अभियान जोड़ो प्रारंभ किया है। परिवार जोड़ो अभियान में क्या है, हमारे साथ लोकसभा के अध्यक्ष मुकेश डागर मौजूद हैं। मुकेश जी, आज आपने प्रेस वार्ता का आयोजन रखा, क्या पूरा परिवार जोड़ो अभियान? देखिए, 3 सितंबर को केजरीवाल जी भिवाड़ी में आए थे, उनके साथ सरदार भगवत मान जी भी उनके साथ थे और उन्होंने स्टेज से ये कहा था कि 15 तारीख से हम परिवार जोड़ो अभियान की शुरुआत करेंगे। और परिवार जोड़ो अभियान की जो शुरुआत 15 तारीख से हुई है, अभी हम पिछले दो तीन दिन में हमने 750 परिवारों के साथ जुड़ने का काम किया। हम गुड़गांव की, बादशाहपुर की और अगर हम सोना की बात करते हैं तो 750 परिवारों तक हम जुड़ने में उनको सक्सेस हुई है। हमारा परिवारों के साथ जुड़ना क्यों जरूरी है, ये उद्देश्य क्या है हमारा? हमने पहले सबसे पहले हमारी टीमें गाँव तक नहीं गई थी, बिजली आंदोलन के माध्यम से हम गाँव तक पहुँचे थे और 7500 यूनिट के साथ, उसमें गांव यूनिट भी और शहर की यूनिट भी, 7500 यूनिट के साथ हम वहाँ पहुँचे थे और हमने कामयाबी उसमें हासिल कर दी। और उससे ही उत्साहित होकर हमने हमारे उसने नीतिकार जो संदीप पाठक जी, उन्होंने कहा कि 75 लाख परिवारों को इसमें जोड़ना है और 75 लाख परिवार जब ही जुड़ेंगे जब ये क्रांतिकारी टीम दिन रात एक करके और घरों तक जाएगी। इसमें हजारों कार्यकर्ता भी सम्मिलित हैं परंतु ये सर्कल इंचार्जों के माध्यम से उसमें जोड़ने का काम करेंगे। और उद्देश्य ये है कि जब तक हम उनके दुख और तकलीफ के परिवार के साथ बैठ के साझा नहीं करेंगे और उनके क्या एक्सपेक्टेशन पिछली सरकारों से रही और उनको ये भी बताएंगे कि पंजाब और दिल्ली में क्या क्या काम हो रहे हैं और किस तरह से बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम हो रहा है, ये सारी चीज़ें उनको समझाई जाएंगी और उनको बताया जाएगा कि आम आदमी पार्टी ने इतना अच्छा बेहतरीन करके दिया, रिजल्ट रहा है। हमारे साथ लोकसभा के उपाध्यक्ष भी सचिव मौजूद हैं, राजीव जी। राव साहब, कैसे देखते हैं कि आज आप परिवार जोड़ो अभियान प्रारंभ किया है, क्या संदेश खास है, क्या ऐसी आवश्यकता आज आम आदमी पार्टी को आज परिवार जोड़ो अभियान चलाना पड़ रहा है? माननीय केजरीवाल जी ने, भगवत मान जी ने जो काम हमें पंजाब में और दिल्ली में किए हैं, जो स्कूल की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था जो की है, जो पानी की व्यवस्था करी है, जो बिजली की व्यवस्था करी है, जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दी है, ये परिवार जोड़ो आंदोलन के माध्यम से हम उन लोगों के पास जाके सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं, उन लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं जो ये सरकारें हैं जो वोट मांगने का ये काम नहीं करती। अब की बार वोट मांग रहे हैं तो उनसे पूछे कि बिजली के लिए क्या किया उन्होंने, जल भराव के लिए क्या किया है, रोड के लिए क्या किया है, शिक्षा के लिए क्या किया है, स्वास्थ्य के लिए क्या किया हमारे लिए। अगर इन पैरामीटर्स को खड़े उतरते हैं तो क्या लगता है आपको इन सब बातों को बोलने से वो आपसे जुड़ेंगे? बिल्कुल जुड़ेंगे, क्योंकि हमने करके दिखाया, दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में करके दिखा रहे हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। अगर हम करके दिखा सकते हैं, दिल्ली में करके दिखा सकते हैं तो हरियाणा में क्यों नहीं कर सकते? और आने वाली सरकार हरियाणा में आम आदमी पार्टी सरकार होगी और यहाँ भी सभी लोगों को वही व्यवस्था और वही सुविधाएं मिलेंगी। आम आदमी पार्टी की डॉक्टर सैल की प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ डॉक्टर सारिका वर्मा मौजूद हैं। डॉक्टर जी, आज आपने फिर एक बार बिजली अभियान के बाद परिवार जोड़ो अभियान प्रारंभ किया है, क्या उम्मीद है और क्या सोच के साथ आप परिवारों के बीच में जा रहे हैं? अभी आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष श्री अरविंद केजरीवाल जी ने 3 तारीख को भिवानी से ऐलान किया था कि 15 सितंबर से परिवार जोड़ो अभियान शुरू होगा। इसकी ट्रेनिंग हमें संदीप पाठक जी ने पर्सनली दी है और पूरे 90 के 90 विधानसभा में ये अभियान शुरू हो चुका है। हम लोग ऑलरेडी 3 दिन से ये कर रहे हैं और इसमें ये प्लान ये है कि हम एक एक घर में जा रहे हैं, लोगों के साथ बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं और उनसे ये कह रहे हैं और उनसे सुन रहे हैं कि उनकी
क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उसके बाद फिर हम बताते हैं कि दिल्ली और पंजाब में किस तरह अच्छे काम हो रहे हैं और यहाँ हरियाणा में इसकी ज़रूरत है। तो उससे लोग हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं, अपने नंबर भी दे रहे हैं और कई लोग हैं जो वॉलंटियर भी कर रहे हैं। तो आप जब लोगों के बीच में पहुँचते हैं तो वहाँ बीजेपी और आरएसएस के लोग भी आपसे मिलते होंगे, तो क्या उनका रुख रहता है, क्या उनके अपने शब्दों में कहते हैं कि देखिए जब आप जनता के बीच में जाते हैं तो आपको सब जगह से कुछ सुनना भी पड़ता है। परसों की बात है जब किसी ने मुझे कहा कि हाँ जी आइए, आप डॉक्टर हैं आइए, और फिर मैंने कहा मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, तो उन्होंने कहा आपके लिए हमारे दरवाजे बंद हैं, और उन्होंने धड़ाम करके दरवाजा मेरे मुंह पे मार दिया। तो ऐसे एक्सपीरियंस भी होते हैं और आपको हंसते हुए समझ आना पड़ता है कि हाँ चलो कोई बात नहीं। पर अधिकतर हम लोग देख रहे हैं जो आपकी बात सुनते ज़रूर है, खुद बाद में कहते हैं कि हम मोदी जी के सपोर्टर हैं। क्या आप मोदी जी के सपोर्टर कोई बात नहीं, लेकिन मोदी जी ने जो स्वच्छता अभियान चलाया था वो स्वच्छता जमीन पे नहीं आई। जब जो आयुष्मान भारत के नाम से इन्होंने हेल्थ का किया लेकिन गुड़गांव की हेल्थ ठीक नहीं हुई, और सब लोग मानते हैं कि खट्टर सरकार ने जमीन पे कुछ काम नहीं किया, और वो वेट कर रहे हैं कि जिस तरह दिल्ली में अच्छे स्कूल बने हैं, जिस तरह दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, जिस तरह महिलाओं को बस सर्विस मिल रही है, वो हरियाणा में भी ज़रूर आनी चाहिए। या बिजली की जो खास प्रॉब्लम है, जो हमने पिछला बिजली आंदोलन किया था, जो बिजली के बिल बहुत ज़्यादा महंगे हैं, बहुत ही ज़्यादा। एक आदमी ने मुझे कहा कि 1.5 लाख रुपए का हमारा बिजली का बिल आता है, तो उसने कहा कि मैं एक महीने की सैलरी में जो इनकम है, जो रेंट आता है, वो मैं बिजली के बिल के लिए रख देता हूँ। तो ये सोच सकते हैं कि बहुत गंभीर विषय है, और जब हमारी सरकार बनेगी तो यहाँ पर हम इन सभी मुद्दों पर काम करेंगे और जनता को राहत देंगे। आप काफ़ी लंबे वक्त से आम आदमी पार्टी में कार्य कर रहे हैं और आप देख रहे हैं, क्या लगता है अब वो पार्टी में लोग बात जुड़ते हैं तो उनका एक रेशियो क्या होता है, क्या लोग बात कैसे किस प्रकार से आपसे, जैसे मान लो 100 लोगों के पास आते हैं तो उसमें से आपका क्या रेशियो रहता है आम आदमी पार्टी को? जब हम लोग लोगों से बात करते हैं तो आई वुड से कि 1 out of 3 जो है वो कहते हैं कि हम नाम नंबर नहीं देना चाहते हैं। हम आपके साथ बात तो पूरी सुनते हैं लेकिन वो कहते हैं वो नाम नंबर नहीं देना चाहते, लेकिन 2/3 लोग जो हैं अपना नाम और नंबर भी देते हैं। और कई लोग खास कहते हैं कि हम अरुण जी के तो बहुत फ़ैन हैं, हम उनके बहुत दिन से वेट कर रहे थे, और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आम आदमी पार्टी आज जमीन पर आ गई है। अपने नाम भी देते हैं, नंबर भी देते हैं, और कहते हैं कि जब अरुण जी आएंगे तो हमें ज़रूर बुलाना, और वो ग्रुप में भी जुड़ते हैं। और हर दिन मैं जब जाती हूँ कम से कम 5 से 6 लोग तो ऐसे निकल के आते हैं जो कहते हैं कि हम दिन का, कल भी हमें जैसे 2-3 लड़के मिले जो कहते हैं हम दिन का 2-2 घंटे दे सकते हैं। एक आदमी ने कहा कि वो हफ्ते का 2-3 घंटे दे सकता है। तो कई लोग हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं और बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। लोकसभा और हरियाणा विधानसभा में परिवर्तन क्या संभावना आपको दिखती है कि आम आदमी पार्टी का क्या रहेगा या फिर भाजपा जाएगी सरकार? हमें 100% विश्वास है कि हरियाणा के लोग दिल्ली और पंजाब का जो काम देख रहे हैं, और हमारी टीम जो हर घर में जा रही है, लोगों को जोड़ रही है। जो पहले कहते थे कि हाँ आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो है, पंजाब में तो है, लेकिन हरियाणा में नहीं दिख रही, अब वो मैं देख रही हूँ। ये लगातार हम अभियान और आंदोलन कर रहे हैं तो हम जनता के बीच में डोर टू डोर जा रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी का USP है। और एक एक इंसान से जब आप पर्सनली कनेक्ट करते हो तो उनको आपके चेहरे में आपकी सच्चाई दिखती है, उनको आपकी आंखों में जब आप बात करते हो तो वो विजन दिखता है कि हाँ ये सच में हमारे लिए अच्छे स्कूल बनाना चाहते हैं, अच्छे हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, और उनको दिखता है कि आप पढ़े लिखे लोग हो, अच्छे लोग हो, और वो जुड़ना चाहते हैं। मुझे 100% विश्वास है कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी, हम ही लोग शपथ ग्रहण करेंगे और आप बदलाव देखेंगे, हरियाणा को हम सुनहरा हरियाणा बना के। इंडिया वर्सेस NDA या भाजपा का क्या संभावना? देखिए अगर एट द पीक ऑफ दिस, जब उनकी जो पीक थी उसमें भी 303 सीट आई थी, अब आपको पता है पूरे साउथ से वो वाइप आउट हो चुके हैं। 60 सीट चली जाए तो उनकी सरकार गिर जाएगी, तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और जब पूरा ऑपोजिशन एकजुट हो जाएगा, आप देखेंगे जो NDA का एट द पीक ऑफ देयर परफॉर्मेंस 38% वोट था, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 62% पीपल हैव ऑलवेज वोटेड अगेंस्ट। जब वो 62% वोट एक तरफा गिरेगा तो ऑटोमेटिकली वो हारेंगे, और भारत को बचाने का, भारत के संविधान को बचाने का, भारत की डेमोक्रेसी को बचाने का इकलौता जो उद्देश्य हम लेके चले हैं वो मुझे लगता है पूरा करेंगे। आम आदमी पार्टी बिजली अभियान के बाद अब आम आदमी पार्टी ने अब परिवार जोड़ो अभियान प्रारंभ कर दिया है, लोगों के घर घर जा रहे हैं, और वो पंजाब और दिल्ली की जो मूलभूत सुख सुविधाएँ हैं जनता को दी गई उनको घर घर जाके बताएंगे और उनसे अपने परिवार मतलब आम आदमी पार्टी में जोड़ने का काम करेंगे। उनका ऐसा मानना है कि आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से राष्ट्र हित और जनता के हित के लिए जो कार्य कर रही है वो सबसे अच्छा कार्य कर रही है, इसीलिए आम आदमी पार्टी से जुड़ने का उन लोगों से
मैसेज भी कर रहा है और उन्हें एक गारंटी भी दे रहे हैं कि यदि सरकार हरियाणा में बनती है तो हम आपके हर सुख दुख में साथ होंगे, जो आपकी मूलभूत सुख सुविधा है, शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी, उसमें हम आपके लिए कई ऐसी सुविधाएं लाएंगे जिससे कि लोगों को निःशुल्क मिल सके। देखना होगा कि अब आम आदमी पार्टी का परिवार जोड़ो अभियान कितना सक्सेस रहता है। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।